और मेरे चटोरों, कैसे हैं आप? हम सभी को आइसक्रीम तो बहुत ही पसंद है और घर पर भी बनाते हैं। या तो वो कभी आइस क्यूब से भी बन जाती है या फिर कभी वो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट बन जाती है। और बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग जो दो इंग्रेडिएंट वाली बनाते हैं वो इतनी हैवी होती है, 2 चम्मच से ज़्यादा खाई नहीं जाती। मैं आज आपको घर पर मार्केट से भी बढ़िया आइसक्रीम बनाकर दिखाऊंगा। इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल है, तो बनाना शुरू करें। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे एक पैन, इसमें डालेंगे 1 कप दूध, इसके बाद आधा कप मिल्क मेड यानी कंडेंस मिल्क। ये पहले से ही मीठा होता है इसलिए हम लोग इस रेसिपी में चीनी भी नहीं डालेंगे, क्रीम भी मीठी रहेगी हमारी इस रेसिपी में। इसके बाद जो कंडेंस मिल्क के बाद मैं डालूँगा वनीला एसेंस, तो लगभग 1 टीस्पून वनीला एसेंस ले रहा हूँ मैं। वनीला एसेंस के बाद डालूंगा लगभग 1/4 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर बहुत ही ज़रूरी है रेसिपी में, अगर आप चाहे तो ना डालें, लेकिन अगर आप डालेंगे तो और बेटर टेक्सचर रहता है मिल्क पाउडर से। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करना है और थोड़ा सा गर्म भी करना है, तो लो फ्लेम में कंटिन्यू चलाते हुए इसे मिक्स कीजिए। और जब ये स्मूद और थोड़ा गर्म हो जाए तो बस गैस बंद कर दीजिए और इसे बस ठंडा होने का इंतज़ार कीजिए। अब जब तक ये ठंडा हो रहा है, ऐसे करते हैं एक बोल ले लेते हैं और बोल में डालते हैं 1 कप व्हिपिंग क्रीम। अगर आपको व्हिपिंग क्रीम ना मिले तो आप पाउडर व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं या फिर जो फ्रेश क्रीम मिलती है मार्केट में वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जो क्रीम यूज़ कर रहे हैं उसमें चीनी नहीं है तो आधा कप पाउडर चीनी डाल लीजिएगा। इसको अच्छी तरह व्हिप करेंगे स्टिफ पीक्स होने तक। 10 मिनट लगते हैं भाई, लेकिन हाथ की एक्सरसाइज अच्छी तरह हो जाती है। ये क्रीम व्हिप हो गई है, हाथ बिल्कुल खुल गया मेरा आज। और अब वो दूध वाला जो मिक्सचर है वो भी ठंडा हो गया, वो इसमें डाल देंगे और पूरा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। लास्ट में क्या करेंगे, एक रबड़ का या सिलिकॉन का स्पैचुला ले लेंगे और इससे जो साइड्स है उसमें चिपकी हुई रहती है क्रीम हमेशा ही थोड़ी सी, उसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसमें। बहुत ज़रूरी है ये स्टेप। सब मिक्स हो गया, आप देखिए अच्छा दिख रहा है। अब इसको फ्रीज़र में रख देंगे, कम से कम 8 घंटे फ्रीज़र में रखिए, फिर ये तैयार है। और देखिए आइसक्रीम बनकर तैयार है, बिल्कुल मज़ेदार लग रही है। अब थोड़ी बहुत स्कूप करके निकाल के दिखा देता हूँ आपको। आप चाहे तो इसे ऐसे ही खाइए या फिर इसके ऊपर चॉकलेट सॉस, नट्स वगैरह डाल के या फिर संडे बनाकर खाइए। आइसक्रीम तैयार है। ये देखिए इतनी आसान थी, बस आपको 10 मिनट लगानी है इसका जो मिश्रण है वो बनाने में, और उसके बाद तो बस फ्रीज़र में रख दीजिए और बन गई आपकी आइसक्रीम। तो बनाइए आपके घर पर और शेयर कीजिए मेरे साथ कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए कुकिंग शुकिंग हिंदी को। अब सब्सक्राइब कर रहे हो तो बगल में घंटा है उसे भी दबा दो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले हफ्ते। बाय।